अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब पेज, और ये है मेरा पाकिस्तान सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। जी आज मैं ये जो जगह आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मैं इस वक्त हूँ रामदास बाग में, और ये जो आपको आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है ये है जंज घर है, यानी कि वेडिंग हॉल था पुराना प्री पार्टीशन 1947 से पहले का, जहाँ पे शादियाँ हुआ करती थी। इस वक्त रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में कन्वर्ट हुआ हुआ है, और यहाँ पर अभी तक जो है वो आर्किटेक्चर जो है तकरीबन वो मुकम्मल तौर पे प्रिजर्व है। और अगर आप देखें तो ऐसी जगह जो है मैं पंजाब में तो काफ़ी दिखा चुका हूँ, और आपको ख़ास तौर पे पोठोहार के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, एबटाबाद के एरिया में हैं। ये देखें आप आर्किटेक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेविड स्टार जो है मोस्टली सनातन धर्म जितने भी मैंने आपको स्कूल दिखाए हैं हिंदुइज़्म से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर डेविड स्टार्स, ये जो 8 कॉर्नर्स का स्टार है ये अटैचमेंट विद द हिंदुइज़्म के साथ है। फिर उसके बाद ये कुछ फीचर्स हैं कि जिससे ये पता चलता है, लेकिन ये है कि ये क्लियर होता है कि जब इसके फेरों की जगह मैंने देखी, और बाकी जंजघरों के अंदर भी इसी तरह होता है, लेकिन जो सिख जंजघर हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और यहाँ पे इसमें जो है हवन के लिए जगह बनी होती है, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये हिंदू जंजघर था, ये फेरे की जगह है, और यहाँ पे जो है वो हवन होता था, और हवन ये जगह बताया जा रहा है बकायदा इस जगह के ऊपर खड़ा था, और यहाँ पर आग जलाई जाती थी, और ये जो है वाइट और ब्लैक एंड वाइट के ऊपर जितने भी थे यहाँ पे फेरे होते थे। अब जो लोग पेशावर के रहने वाले थे या जो लोग पुराने इस जगह को से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि भाई ये जंजघर जो है वो किस नाम से था इस जंजघर का, क्योंकि मुझे प्राइमरी सोर्स तो नहीं मिला, लेकिन ये है कि सेकेंडरी सोर्सेज से यही पता चलता है कि ये जंजघर था। ये अंदर जो है ये बाकायदा तौर पे बड़ा हॉल है, और इसके फिर आगे से ये तकरीबन 2, 4, 5, 6 दरवाजे थे इसके, ये आप देखें डेविड स्टार की बात कर रहा था, तो ये डेविड स्टार है। अच्छा, दो चीज़ के साइन जो हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं, जैसे अभी ये जो लीव्स के पेटल हैं बिल्कुल जो है वो नाग जो है उसकी शेप के बने हुए हैं, है तो स्पिनिश लीव है, लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर जो कवर किया हुआ है वो बिल्कुल आप देखें कि जैसे शीशनाग जो होता है या कोबरा है, वो उसके स्टाइल में बिल्कुल बना हुआ है। तो मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, और आज के मेरे सफ़र में मेरे साथ हैं पेशावर की संगत में से जी एक और बाबा जी डिस्कवर हुए हैं, बाबा जी गुरपाल हैं और बलबीर हैं, पेशावर की संगत से बलबीर, ये घर के ऑनर हैं, और मैं इस वक्त मोहल्ला रामदास है ये जी मोहल्ला रामदास में हूँ मैं, और बाबा जी गुरपाल, ये समझ लें कि एक और बाबा जी आपके सामने आ गए, ये पेशावर की संगत से हैं और बड़े एक्टिव समाजी कारकुन हैं। इंशाल्लाह फर्दर जो है मैं आपको इनका तारुफ करवाता रहूँगा, और काफ़ी चीज़ें हमने पेशावर में जो है डिस्कवर करनी हैं। तो ये मैं आज आपको दिखा रहा था जो है वो जंज घर जो है मैरिज हॉल जो है प्री पार्टीशन 47 से पहले का जो है वो उसको दिखा रहा हूँ, जो कि रामदास बाग में अभी तक मौजूद है। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब पेज, ये है मेरा पाकिस्तान सिख पीरियड फुटस्टेप्स एंड पेशावर सिंह।